हेल्थ प्लस प्रोग्राम थोड़ा सबका स्वागत है। आज इस तुम लेके चल रहे हैं बुलंदी होम्यो क्लीनिक जो कि अबोर विखे स्थित है। साइटिंग में डॉक्टर वरिंदर बुलंदी जी ने गलबात की, जिन्होंने दसिया होम्योपैथी दवाई नाल क्रोनिक तो क्रोनिक बीमारी का इलाज हो जाता है, विशेष तौर पर पशुओं का इलाज भी होम्योपैथी दवाई नाल बहुत ही वधिया हुंदा है। जेकर समय सिर होम्योपैथी दवाई शुरू की जाए तो इसके नतीजे बहुत ही तेजी नाल आते। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर वरिंदर बुलंदी जी के नाल। पंजाब प्लस चैनल दे हेल्थ प्लस प्रोग्राम थोड़ा स्वागत है। जैसे हैं डॉक्टर बुलंदी होम्योपैथी क्लीनिक जोड़ा कि अबोर विखे स्थित है और डॉक्टर साहब जोड़े पिछले लंबे समय तो सेवावान अपन दे रहे हैं होम्योपैथी के रीडर भी रहे ने मेडिकल कॉलेज अबोर का जोड़ा होम्योपैथी कॉलेज है और बहुत व्डिया सेवावान की क्रोनिक तो क्रोनिक पेशेंट सही किए इन्होंने। डॉक्टर साहब थोड़ा स्वागत है साढ़े स्पैशल शो च। हाँ जी वेलकम जी। डॉक्टर साहब जिस तरीके होम्योपैथी जी आज तो 30 साल पहला बड़ी स्लो मनी जाती सी और अज लोग जदों करोना का एपीडेमिक आया तो लोगों होम्योपैथी ने जगाता जिस तरीके होम्योपैथी की दवाई ने काम किया और जिस तरीके प्रिकॉशन मेजर जिस तरीके इम्यूनिटी के लिए इन्हां मेडिसिन ने काम किया एक रिकॉर्ड बन गया। की कहना चाहोगे कि होम्योपैथी हुण वो होम्योपैथी नहीं है जिहड़ी 30 साल पहला सी। जिस तरीके इनवेंशन हो रही ने नवीं नवीं मेडिसिन मार्केट आ रही ने एक नवा रूप होम्योपैथी मिल चुका। हाँ जी मतलब मनी है कि एक नवा रूप होम्योपैथी। हाँ बिल्कुल जी, अजकल इस तरह है कि जिहड़ा पेंडू तबका है वह भी होम्योपैथिक बारे जानन लग पिया और वह भी लेना पसंद करन लग पिया। पहले तो सिर्फ इन पढ़े लिखे लोग ही लिया करते सीगे। इस टाइम जिहड़ा ना पेंडू इलाका पेंडू लोग ने वह भी इसनों पसंद कर रहे हैं और होम्योपैथी मानव की मानवता की सेवा के नाल नाल पशुओं वास्ते भी बहुत असरदायक साबित हो रही है। सर पशु वाला कंसैप्ट तो असं बहुत घट सुने, पशु वास्ते भी होम्योपैथी है दर्शको सर कह रहे हैं सर पशु वास्ते होम्योपैथी का किवें रोल है और की तुसीं उहदा पशुओं का इलाज कर रहे हो? पशुओं के जी इन्हें थनों के रोगों वास्ते और भार की शिकायत वास्ते बहुत कामयाब है क्योंकि दुधारू पशुओं के थनों के सोजिश और दुध में छिड़ियाँ आना दुध में खून आ जाना थना की सोज हो जाना ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जिंदे वास्ते कि होम्योपैथिक दवाई बहुत असरदायक है और एलोपैथी के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा बैटर है क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन देने दे नाल पशुओं का दुध सुक जाता है और होम्योपैथिक मेडिसिन दुध नहीं सुकाती जिंदे कारण लोग इस बहुत पसंद कर रहे हैं। किस संच तुसीं अपनी DHMS की और किवें अज एक ब्रांड बन चुके हो और सेवा के भाव के नाल इसनू अटैच किया और अज भी बहुत गरीबी दावे जो लोग आ या जो बहुत ही सस्ता जो है तुम इतने इलाज दे रहे हो लोगों? जी हाँ सर, मैं सर 1985 इतों DHMS की और उस तो बाद मैं कॉलेज के भी और प्रैक्टिकल भी पब्लिक के भी अपनी सेवावान दे रहा। और जिस तरीके सर अज क्रोनिक तो क्रोनिक बीमारियां भी तुम ठीक कर देंगे हो की कहना चाहोगे अगर पहली या दूजी स्टेज थी बंदे कैंसर वाले या जिहड़ा किडनिया दे इफेक्ट जो शुरू हुंदा शुगर दा अगर उदों ही बंदे आ जाए तो ज़्यादा मतलब जिहड़ा हैगा इह कारगर हैगी आ होम्योपैथी? हाँ जी हाँ, उस समय ज़्यादा फायदेमंद है अगर पेशेंट साडे कोल स्टार्टिंग फेज़ ते आ जांदा है। की कहना चाहोगे डॉक्टर साहब, पेशेंट होम्योपैथी नूं यूज़ ही अखीर ते करदा जदों उहनूं लगदा कि बस हुण तां इह मर जाऊगे तां अगले कहिंदा चल होम्योपैथी ते लै जाओ? नहीं, स्टार्टिंग दे विच भी आ रहे हैं जी, हुण लोग पहले वर्गी गल नहीं रह गई तां हुण लोग जिहड़े ने कई फैमिलीज़ ने जिहड़ियां लगातार यही ट्रीटमेंट ही लैंदियां ने, ठीक है जी, तो उनके कारण ये आती है। दूसरी गल यह है कि जिहड़ी एलोपैथिक भी मेडिसिन है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, ठीक है, और वो जिहड़ी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो टेस्टां ते आधारित है, उनके लिए डॉक्टर पेशेंट नूं टेस्टां लिए प्रिस्क्राइब करता है जिंदे वास्ते उनका एक काफ़ी पैसा जिहड़ा टेस्टां ते जा लैंदा है। जिहड़ी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये सिम्पटम्स के बेस पर मेडिसिन दित्ती जाती है, इस कारण इहदे वास्ते इन्ना जरूरी टेस्टां दे उपर स्ट्रेस देना नहीं है जिन्ना कि एलोपैथिक दिता जाता है। सर अगर आप गल कर लिए जिदा तुसी इत्थे शुगर दी थायराइड दी PCOD दी इनफर्टिलिटी दी और कब्ज वगैरह सारिया बीमारियों का इलाज एक छत के थले हुंदा? हाँ जी जी सर, अजकल कॉमनली PCOD बीमारी जी औरतों बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ी कामयाब है। एक यूट्राइन फाइब्रॉइड PCOD और इन्फेक्शन लकोरिया वगैरह वास्ते मेडिसिन बहुत कामयाब है, जिहड़ा कि एलोपैथी दे विच जिन्ने भी कोई भी ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर या फिर कोई सिस्ट वगैरह दे लई कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं हैगी, वो होम्योपैथी दे विच इसका बहुत कारगर इलाज है। सर अगर आप गल कर लिए पत्थरियां की गल कर लिए पित्ते दी पत्थरियां या किडनी दे स्टोन्स, हाँ। कि उन्होंने लिए भी अज होम्योपैथी कारगर है? हाँ सर, अगर वो
छोटे साइज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਯੂਰੇਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰੇਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੋਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 mm ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ? हाँ जी सर, वो तो पेशेंट आके देखेगा इसनों अजमाएगा तो उसका रिजल्ट उसनों ताई मिलेगा ना जी। तो मतलब है भी बाकी क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर किसी सही प्रिस्क्राइब की जाती है तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता गा। एलोपैथिक मेडिसिन है अगर किसी पेशेंट नूं सही भी प्रिस्क्राइब की जाए और उसनों देने वाला डॉक्टर भी उसका स्पैशलिस्ट हो फिर भी उसके साइड इफेक्ट नूं नहीं रोकया जा सकता गा। तो इस वास्ते इसका एलोपैथी नालों प्लस पॉइंट यह है। दूसरी गल यह है कि इसका साइड इफेक्ट ना होने के कारण मेडिसिन की जी संख्या नहीं बढ़ पाती। एलोपैथी के जी मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट किस तरह है कि जी एंटीबायोटिक्स है वो अपने जोड़े नॉर्मल अपनी भोजन के अंदर जो फायदेमंद बैक्टीरियाज रेंगे ने एलोपैथिक मेडिसिन उन्होंने भी किल कर देती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया किल करने के जी भोजन नली के अंदर कमांसल्स बैक्टीरिया ने जिहड़े कि साढ़े लई जरूरी ने वो नाल उन्होंने भी कवर कर साढ़े मित्र बैक्टीरिया भी कवर किल कर देती है। और होमपैथिक मेडिसिन की एक खासियत है यह सिर्फ साढ़े नुकसानदायक बैक्टीरिया भी किल करती है, जिहड़े फायदेमंद बैक्टीरिया ने जिहड़े साढ़े भोजन विच नॉर्मली रिजाइड करते हैं हर एक आदमी दे रिजाइड करते हैं उन्होंने किल नहीं करती। इस वास्ते इस मेडिसिन के नाल पेशेंट नूं कोई जिहड़े विटामिनस वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं होंदी गी, ठीक है, ना ही पेशेंट नूं इस दे लई कोई उसके साइड इफेक्ट्स आते, बशर्ते है कि मेडिसिन सही प्रिस्क्राइब की जाए। सर जिदा मझां दी गल कीती, गऊआं दी गल कीती, और अज पशु वाले बंदे भी बहुत तुहाडे नाल अटैच है? हाँ जी हाँ जी, बहुत अटैच ने जी, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जिहड़ी है ना पशुआं ते आदमियां दे विच इक्को ही मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, इक्को वर्गी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यह सपोज किया जाता है कि पशु का वेट है जिहड़ा वो आदमी के वेट नालों 10 गुना ज़्यादा होंदा है। इस वास्ते एलोपैथिक डोज है जिहड़ी पशु दे लई वह भी उसनों इन्नी ज़्यादा देनी पैंदी है, जिंदे कारण कि पेशेंट के उत्ते फाइनैंशियल दबाव काफ़ी ज़्यादा आता है जिहड़ा पशु का मालक है उनके उपर। पर होम्योपैथी के जी एक छोटे जानवर तो लैके और एक चाहे ऊंट नूं मेडिसिन दो चाहे भैंस नूं मेडिसिन दो, दोनों का जिहड़ा क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन है वह सेम होंदी है, ठीक है जी। इस वास्ते पेशेंट के उत्ते फाइनैंशियल दबाव नहीं आता गा अगर होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाए, और दूसरा उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होंदा गा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन है जिहड़ा इस नूं देण दे नाल पशुआं दा दुध नहीं सुकदा, तो एलोपैथिक मेडिसिन देने दे नाल पशुओं का दुध सुक जाता है, जिंदे कारण पेशेंट नूं एक तो मेडिसिन कॉस्टली देने दे उसका फाइनैंशियल दबाव पैंदा है, दूसरा जिहड़ा उसका पशु है वह भी दुध घटन के कारण उन्हूं उसका नुकसान होंदा है। इस वास्ते दिन ब दिन लोगों जिस तरह पता चल रहा है वो पशुओं की बीमारियों वास्ते भी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर जिदा वाल झड़ने आ, स्किन दियां प्रॉब्लम्स हैगियां, और कब्ज़ है, बवासीर है, इन्हां नामराद बीमारियों के लिए भी जिहड़े हैगी आ होम्योपैथी बहुत कारगर है? हाँ बिल्कुल जी, इन्हां सब चीज़ों के लिए पेशेंट बड़े कॉमन आते रहते हैं और ठीक होते हैं। सर 37 साल का लंबा तजर्बा, जिंदगी का सब तो वधिया दिन किहड़ा जिते तुहानूं लगता सीगा वी इह चीज़ तो होनी नहीं पर वो परमात्मा ने तुहाडी हैल्प करके तो उहदे रिजल्ट लियाते? एक दिन मेरे कोल एक थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट आया, और वह पेशेंट स्कूटर तो उतर के मेरे क्लीनिक के अंदर आन तक उसको बहुत ज़्यादा उनका साह फुल गया, और वह एक शहर के इमीनेंट डॉक्टर तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लै रहा है जिसका कि बहुत लंबा तजर्बा है। तो वह पेशेंट मेरे को होम्योपैथिक मेडिसिन ले आया, जब मैं उसको मेडिसिन दी तो नैक्सट वीक जो मेरे को आया तो स्कूटर तो आराम नाल उतर के अंदर मेरे को आ गया, तो मैं पाया कि वो इन्ना शानदार रिजल्ट किसी भी पैथी दे विच नहीं हो सकता, जबकि वो पेशेंट दी जिन्नी मैं उसनों एक हफ्ते दे चार्ज कर रहा सी वो पेशेंट एक दिन दे विच उन्ने दी मेडिसिन लै रहा सी पर उसनों रिकवरी बिल्कुल नहीं मिल रही सी। तो मैनू बहुत खुशी हुई कि एक थायरोटॉक्सिकोसिस दा पेशेंट जिंदे विच थायरॉयड ग्रंथी का सक्रीशन बहुत ज़्यादा वध चुकिया सीगा तो उसनों इन्नी इमीजिएट रिजल्ट मिलिया, तो मैं पाया कि होम्योपैथिक मेडिसिन के इमीजिएट रिजल्ट भी मिलता है। एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उनके लिए चाहे किड्डा भी बैक्टीरिया जिहड़े अजकल के
एक ईकोलाई नाँ का बैक्टीरिया है जिंदी इनफेक्शन अगर UTI दे विच आम तौर हो जाती है तो वह जल्दी जने किसी मेडिसिन कवर नहीं करती क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी है वह सिर्फ महज 4 दिन बाद ही बदल जाती है। तो होमोपैथिक मेडिसिन उसनों बहुत अच्छा कवर करती है और इनफेक्शन है जी जदों भी साड़ी इम्यूनिटी जी वीक होंदी है तो उस बैक्टीरिया की इनफेक्शन फिर दोबारा आ जाती है। उस दे कारण जी मेडिसिन दे लई बड़ी कामयाब है और एलोपैथी का इन रिजल्ट नहीं मिल पाता गा और ये पेशेंट ने जोड़े समय समय से अलग अलग डॉक्टरों के कोल आम तौर पर घूमते रहते हैं क्योंकि रिकवर नहीं हो पाता केस। दूसरी गल है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जी आम 50 साल की उम्र तो बाद किसी वक्त भी किसी आदमी की बढ़ जाती है तो उनके लिए होमोपैथिक मेडिसिन का रिजल्ट बहुत अच्छा है और पेशेंट ऑपरेशन तो बच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों असी चाहवांगे कि तुसीं एक बार डॉक्टर साहब नूं विजिट करो चाहे पशुओं की गल है चाहे कोई मतलब क्रॉनिक बीमारी है जिदा डॉक्टर साहब ने दस्या कि थायराइड की जी इन्नी बदलिया हुआ इन्ना गंभीर पेशेंट सीगा उन्हें भी सही किया सर थोड़ा सानूं समा देने दे लई बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।